Hello guys, this is again Gunjan here on your own channel. I welcome you on this channel. So today we are going to start with the parts of speech. जो main topic हमारा रहता है third और fourth class के लिए वो रहेगा हमारा parts of speech, जिसमें आपका full syllabus भी cover हो जाएगा. So one by one we are going to discuss this. So let's get started. So first one is noun, second is pronoun, adjective, adverb, verb, preposition, conjunction and interjection. These are the parts of noun. ये noun के हमारे parts है. कौन कौन सी है? Noun, pronoun, adjective, adverb, verb, preposition, conjunction and interjection. ठीक है. So noun जो होता है, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, जिसको आप हिंदी में संज्ञा बोलते हो. संज्ञा किसी के नाम को, किसी पर्सन के नेम को, कोई प्लेस को आप क्या बोलते हैं? नाउन बोलते हैं. नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और अ थिंग. लेट्स सपोज एक एग्जांपल लेते हैं. अकबर इज अ किंग, सो हियर अकबर इज नाउन, क्योंकि वो किसी पर्सन का नेम है. राइट. ऐसे किसी प्लेस का नेम या कोई एनिमल का नेम होगा या कोई ऐसी थिंग होगी, उसको आप बोलेंगे नाउन. राइट. नेक्स्ट इज प्रोनाउन. प्रोनाउन क्या होता है? कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हमारे नाम की जगह पे यूज होते हैं. सपोज मैंने बोला था अकबर इज अ किंग, तो अकबर की जगह अगर मुझे सेंटेंस में दोबारा से यूज करना है तो आई यूज ही. अकबर की जगह, मेरे की जगह हम क्या यूज करेंगे? ही यूज करेंगे. सो ही इज प्रोनाउन हियर. सो इट्स अ वर्ड यूज इन प्लेस ऑफ नाउन. जो नाम की जगह पे यूज होते हैं, दीज आर कॉल्ड प्रोनाउन. नेक्स्ट वन इज एडजेक्टिव. एडजेक्टिव टेल्स अस द क्वालिटी ऑफ अ नाउन एंड अ. सो नेक्स्ट पॉइंट इज एडजेक्टिव. एडजेक्टिव होता है हिंदी में विशेषण, जिसको आप बोलते हैं, यानी जो किसी चीज की विशेषता बताता है, करेक्टरिस्टिक बताता है. लाइक इट टेल्स अस द क्वालिटी ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन. जहां पे जिस सेंटेंस में किसी की क्वालिटी कर, लाइक ही इज अ गुड मैन, तो गुड यहाँ पे क्या होगी? उसकी क्वालिटी होगी. राइट. सो इट इज एडजेक्टिव. नेक्स्ट वन इज एडवर्ब. एडवर्ब आपका होता है इट टेल्स अस हाउ, वेयर एंड व्हेन द एक्शन टेक प्लेस. कहां, कब और कैसे कोई भी एक्शन हुआ है. राइट. अगर मैं बोलूं ये काम आज हुआ था या कल होगा, सो जो हम जिसमें टाइम के बारे में बता रहे हैं कि वो चीज कब, कहां और कैसे हो रही है, उसको आप बोलेंगे एडवर्ब. राइट. नेक्स्ट वन इज वर्ब. वर्ब आपको पता है वर्ब मेनली टू टाइप्स की होती है, मेन वर्ब और जो सिंपल वर्ब होती है. ठीक है. तो वर्ब क्या होती है? इट एक्सप्रेस द स्टेट और एक्शन परफॉर्म बाय द सब्जेक्ट. जो भी सब्जेक्ट ने एक्शन परफॉर्म किया है उसे हम क्या बोलेंगे? वर्ब बोलेंगे. ठीक है. हेल्पिंग वर्ब डिफरेंट होती है और मेन वर्ब डिफरेंट होती है. वो मैं आपको जब ब्रीफ में कराऊंगी तो मैं इसको समझाऊंगी. ठीक है. नेक्स्ट टॉपिक इज प्रेपोजिशन. प्रेपोजिशन हमने एक पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था. आप एक बार मेरी वो वीडियो भी देख सकते हो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी इसका. ठीक है. प्रेपोजिशन इट कम्स बिफोर नाउन और प्रोनाउन टू शो द टाइम प्लेस. आप कोई भी जगह, मतलब ये प्रेपोजिशन ऐसे कुछ वर्ड्स होते हैं जो हमें जगह के बारे में बता रहे हैं कि कोई चीज कहाँ, कैसे और कब है. लाइक मैंने कुछ एग्जाम्पल दिए थे कि कैट जम्प ओवर द टेबल. कैट जम्प करके गई टेबल के ऊपर से. ठीक है. आई गो टू स्कूल. मैं स्कूल जाता हूँ या जाती हूँ, तो ये हमारा प्रेपोजिशन को एक्सप्लेन कर रहा है, यानी हमें प्लेस का बताता है. नेक्स्ट इज कंजंक्शन. कंजंक्शन आती होती है कुछ ऐसे वर्ड जो ज्वाइन करते हैं, यानी कि मैंने कुछ ऐसे वर्ड्स लिए. जैसे मैंने बोला राम एंड श्याम आर बेस्ट फ्रेंड, तो राम एंड वर्ड ने राम और श्याम को ज्वाइन कर दिया. सो दिस इज कंजंक्शन. जो ऐसे वर्ड जो आपको कंजंक्शन होते हैं, जो ज्वाइन कर देते हैं कुछ वर्ड या सेंटेंसेस को. एंड द लास्ट वन इज इंटरजेक्शन. इट एक्सप्रेस सम स्ट्रॉन्ग और द हिडन फीलिंग्स. अब कुछ ऐसी फीलिंग्स होती है जिसको आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते. लाइक अगर मैंने कोई बहुत सुंदर चीज होती है, आई से वाओ, है ना, हुर्रा, अलास, तो ये कुछ ऐसे होते हैं हमारे वर्ड जिनको आप इंटरजेक्शन बोलते हैं, और उनसे हमें सडन फीलिंग का पता लगता है. अगर आप ब्रीफ में चाहते हो कि मैं इसको समझाऊं, सो कमेंट करेंगे कमेंट सेक्शन में, आई विल एक्सप्लेन अबाउट इट. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो. कीप लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू.